Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. मगरिब की वादियों में गूंजी अजां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उसद कुरैशी और आप देख रहे हैं बाप बेटा। कल से पूरी दुनिया पर तुर्की की एक गूंज, एक शोर शराबा नजर आ रहा है। मगरिबी दुनिया पर खास तौर पर औसान खता हो गए हैं मगरिबी हुक्मरानों के। उसकी एक अहम वजह आया सोफिया नामी मुकाम, जो तुर्की इस्तांबुल में वाकया है। 85 साल पहले ईसाइयों का एक बहुत बड़ा मरकज हुआ करता था। उसके बाद तुर्कियों का एक सरबरा अतातुर्क ने आकर उस ईसाइयों के मरकज को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि तैयब उर्दुगान की हुकूमत जब आई तो उन्होंने बहुत ही खामोशी के साथ इसका मुकदमा लड़ा और आखिर में कल फैसला हुआ कि उस मुकाम को, उस आया सोफिया के मुकाम को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। तो ये बहुत सारी एक इसकी एक तारीख है, एक पस मंज़र है, 85 साल का पस मंज़र है। उस पर आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और इसके अहम पहलू कि इस सब के पीछे 85 साल की जो एक तवद्दो, एक मेहनत है, उसके पीछे क्या क्या वजूहत हैं और तैयब उर्दुगान को क्या महसूस हुआ कि इस मुकाम को मस्जिद में तब्दील कर देना चाहिए ताकि मुसलमान मजीद यकजा हो जाएं और मगरबी कुव्वतें इस हवाले से बहुत ज़्यादा डरी और खौफ में नजर आती हैं। हमारे साथ बजान मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि 85 साल पहले एक आया सूफिया नामी मुकाम जो ईसाइयों का मरकज हुआ करता था, फिर अतातुर्क ने आकर उसको म्यूजियम बना दिया और अब मस्जिद जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया तैयब उर्दुगान की एक भरपूर मेहनत के बाद, क्या वजूहत है? ये दरअसल ईसाइयों का जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई है उनका ये मरकज़ था और पहले, उससे पहले ये मस्जिद हुआ करती थी सल्तनत उस्मानिया में। जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई और ईसाइयों ने वहाँ पे रोम, सल्तनत रोम आई, तो वो उस मकाम को उन्होंने चर्च बना दिया और ऑर्थोडॉक्स का वो मरकज़ था, चर्च था, पूरी दुनिया में उसकी एक मकाम था। और जब 1453 में ये दोबारा फतह कुस्तुनदुनिया हुई तो इसको दोबारा मस्जिद बना दिया गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो मुसलमान तुर्की के हुक्मरान थे, उन्होंने अतातुर्क जब दौर आया तो उन्होंने उसको ना तो चर्च रहने दिया और ना मस्जिद रहने दिया और एक अजायब घर की सूरत में अजायब घर बना दिया। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती थी कि मुसलमानों ने अपने ही हाथों अपनी जो एक मुकद्दस जगह थी, जो मस्जिद थी, गवा दी, उस गवा दी। और ये 1935 से ये सूरत हाल थी, 1935 से लेके और आप कल तक ये सूरत हाल ऐसी ही रही। वो अजायब घर के तौर पे ही मशहूर रहा आया सोफिया के नाम से। के पास ब्लू मॉस्क भी है जहाँ से अजान आती है, अजान होती है, मस्जिद नमाज होती है। अब ये जब तैयब उर्दुगान आए तो इन्होंने सबसे बहुत सारी अपनी तरजीहात रखी, उनमें फौज से नबरदा आजमा होने वाली हिकमत अमली भी थी, फौज का वहाँ से कला कमा था हुकूमत के मामला से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने सारे मामला को आगे बढ़ाया और इस्लामी स्कार्फ का इस्तेमाल और बाकी सारी चीज़ें जो है वो इस्लामी रवायात को दोबारा से नौ जिंदा किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ी कुव्वत जो मगरबी कुव्वत थी वो पिछले दिनों नबरदा आजमा थी, क्योंकि 2023 में जो एक सल्तनत उस्मानिया का हुआ हुआ मायदा वो ख़त्म हो रहा है और उसके नतीजे में सऊदी अरब के कुछ हिस्से और बाकी जो गल्फ रियासतों के कुछ हिस्से जो है वो सल्तनत उस्मानिया को वापस मिलने हैं। तो इसलिए ये सारा मिली जुली मिली भगत है
मगरिब की और मुसलमान ममालिक हैं उनकी भी, लेकिन तैयब अर्दोगान ने हिकमत अमली से ये सारे काम को लेके चले और इस आया सोफिया के मुकाम के लिए उन्होंने बाकायदा एक मुकदमा किया वहाँ की अदालत में, और उस अदालत ने इनको कल ये फैसला दिया कि इसको मस्जिद ही बना दिया जाए। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है जो कि मुसलमानों को हासिल हुई है तैयब अर्दोगान की सूरत में। 1453 के बाद अब आके 2023 में ये 86 साल बन गए, हाँ ये अब मस्जिद बहाल हो गई है। तो ये तैयब अर्दोगान ने जो बात कही है वो बड़ी नुकता, वो बड़ा अहम है कि ये अब आगाज है बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाने की तरह, बैतुल मुकद्दस को आज़ाद कराने। लेकिन ये आप समझते हैं कि इस सारे वाक़े के बाद, उससे पहले भी हम देखते हैं कि तैयब अर्दोगान ने बहुत सारी ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिसके मगरिब और स्पेशली अमेरिका और इसराइल की आंखें खुल के सामने आ गई। तो तुर्की आइंदा आने वाले सालों में पूरी दुनिया पर मुरानी करने जा रहा है। बिल्कुल ये ठीक है। देखे ना जी, अब उन्होंने अपने जो मईशत है कोविड-19 के बाद भी इस मईशत को बड़ा कंट्रोल किया है और इस वक्त भी वो मुल्क के 10वें बड़ी मईशत होने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, कोविड-19 में पूरी दुनिया की मईशत तबाह हुई है, पूरी दुनिया की मईशत को एक धचका लगा है, लेकिन तुर्की के अर्दोगान साहब ने और बाकी उनकी पूरी काबीना ने इस पे बड़ी कोशिश की और वहाँ पे बहाली हुई और वहाँ लोग जो है, एक बात बहुत अहम है कि वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल, दो उसकी वजूहत हैं। एक तो ये है कि जब सल्तनत उस्मानिया की जंग थी और सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी तो यहाँ से फंड रेजिंग हुई पाकिस्तान से और वो फंड रेजिंग जो है वो उसके वहाँ पहुँचाई गई। एक तो ये तारीख का हिस्सा है और तुर्की जो है अहले तुर्क वो इसकी बड़ी अहमियत समझते हैं कि उस वक्त हमारे साथ खड़े थे। दूसरा जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमा का जो शायरी है और फारसी की, उतना अहले पाकिस्तान ने नहीं समझा जितना कि अहले तुर्क ने समझा है, और तुर्की जो है इन दो बातों की वजह से पाकिस्तानियों की बहुत कदर करते हैं, बहुत अहमियत है और वो पाकिस्तानियों को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। बाकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें जो रूल करने वाली ताकतें हैं उनमें तुर्की सरे फरिश्त होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने भी कहा ना कि अल्लामा इकबाल, तो मैंने इस प्रोग्राम का आगाज भी इकबाल के एक शेर से किया। हाँ, तो ये इकबाल का दूसरा शेर भी तो आप जो आखिर में मैं प्रोग्राम के आखिर में दोहराना चाहता हूँ कि दी ये जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए शहरों में। देखे ना, यूरोप का वो कलीसा ही है जहाँ पे आज अजान हुई है और अल्लामा इकबाल ने एक सदी पहले ये बात कही थी, तो अब वो साबित हो गया है कि ये जो वही वो अल्लामा इकबाल के ऊपर वो कहते हैं कि वही नाज़िल होती थी और कुरान की तफसीर है सारी, उनकी जो शायरी है वो सारी तफसीर है। तो इस लिहाज से अल्लामा इकबाल की जो कदर हमें करनी चाहिए थी और पाकिस्तानी हमने नहीं की, और ये हुकूमत पाकिस्तान ने भी उनकी जो शायरी है वो मुरतब उस तरह नहीं की, मुरतब भी नहीं की और निसाब का हिस्सा भी नहीं बनाया, नहीं बनाया उस तो इस तरह से ये बहुत बड़े एक ज्यादती है अहले पाकिस्तान के साथ, नौजवान नस्ल के साथ। तुर्की के लोग बड़े डेडिकेटेड हैं और उन्होंने पूरे हिकमत के साथ वो लेके चल रहे हैं निज़ाम को। उनकी अगर से मुखालफत है तैयब अर्दोगान साहब की, लेकिन उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ सारे निज़ाम को चलाया है और आगे चला रहे हैं। हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए, उनके लिए दुआगो रहना चाहिए कि जैसे उनके अज़्म है, अज़ायम है कि बैतुल मक़दस जो है वो उसको आज़ाद कराने की तरफ ये पहला कदम है, तो इस लिहाज से हमें इसी मकसद को, और आज का ये हमारा प्रोग्राम भी मैं समझता हूँ उसके अंदर एक हिस्सा है कि हमने बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाना है। हर मुसलमान की ये दुआ है और उनकी ख्वाहिश है, दुआ है कि बैतुल मक़दस को आज़ाद होना चाहिए। तुर्की जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले कर रहा है आलम इस्लाम के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी, और नज़र यही आता है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में पूरी दुनिया पर हुकूमत तुर्की करेगा। हमारी दुआ भी है और हम पाकिस्तान का एक एक बच्चा, पाकिस्तान का एक एक जवान, एक एक बूढ़ा तुर्की के साथ इस मिशन में उनके साथ है। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियोस देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।